अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, आप बता सकते हैं क्या है? इसको मकई बोलते हैं, छल्ली बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये आप हमें बताएंगे कमेंट में। यकीनन छल्ली का बहुत मज़ा आप भी खाते होंगे, आपको भी मज़ा आता होगा। तो आपको ये पता कैसे बनती है, आज हम आपको बताएँगे, उस जगह पे लेके जाएंगे कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है। नाज़रीन बहुत मज़ा आएगा, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो एंड तक देखें। चले नाज़रीन। तो नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं छलियों की भट्टी पे, जो छलियाँ सेल करते हैं वो आ चुके हैं इस टाइम मौजूद है छलियों की भरपाई के लिए। तो ये उनकी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, उनके बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी तैयार की हुई है, सामने लोकर लगा हुआ है, साथ ही इसके स्पीकर लगा हुआ है, इसके ऊपर ही छलियों की बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन बना के छलियों ऊपर लटकाई हुई हैं, और साथ ही एक कटोरा पड़ा हुआ है जिसके अंदर नमक मिर्चें वगैरह डाली जाती हैं, जो कि छली के ऊपर लगा के गाड़ी के पीछे थैला लटका हुआ है लोहा और प्लास्टिक के लिए। ये लकड़ी का टोकरा है, अब तुम पहला देखो कि लकड़ी का टोकरा बनया, शतू की लकड़ी बनी है, या उसके बाद इन्होंने की किया हो कि तूड़ी तो मिट्टी लैके इन्हों मिक्स करके तो यदि अंदरों लपाई की हुई है, ता कि ये असं घेरी वगैरह पा के छली तैयार कर सकी। पुरानी केरी कल वाली स्किन निकाली जा रही है और इसमें हम गर्म केरी डालेंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये तोड़ों में केरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये कोयले को ब्रीक पीस के बनाई जाती है और इसको भट्टी में डाल के गर्म किया जाता है। कितनी देर का सीजन चली है? कोई 8 महीने चला साहब। 4 महीने फिर इंजॉय छुट्टियां। 4 महीने फिर जेड़ा ना पतीसा पापड़ नीमको गासी के बारे बाहर पीना पड़ना चाहिए। गाड़ी आ गई छलियां वाली, तो भाई उन्होंने तैयारी शुरू हो गई है, सफाई वफाई जी करने वाली कर रहे हैं सफाई, क्योंकि गड्डी अपनी रेडी कर रहे हैं, तो छली मकई आ रही है जी। छोटी लहरा कर रहे वी लहरा कर रहे छुरी पिछो कट रहे ता के टोकरे एको जैसिया लग सकन आराम। नाज़रीन भट्टी ज़मीन के अंदर बनाई जाती है और ये इसके सुराख बनाए गए हैं ताकि केरी को हिलाने के लिए इनके अंदर डंडा डाल के हिला सके। भट्टी से केरी निकालने का काम शुरू हो गया। केरी को सारी रात जलाया जाता है। इस वक्त देखें कितना ख़तरनाक मंजर नज़र आ रहा है भट्टी का, शोले बहुत बढ़के हुए हैं। बहुत तेज़ आग लगी हुई है, ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है आग निकालना बाहर। ये देखें कि कितना मुश्किल काम है, कितनी तेज़ आग है बाहर को आ रही है। ये देखें छोले, ये हैं असल काम, ये है ये बहुत मुश्किल काम है।
एक भाई का काम है भट्टी से आग बाहर निकालना, दूसरे भाई का काम है बारी बारी छल्ली के टोकरों में केरी डालना। नाजरीन, भाई ने नीचे केरी डाल दिया, अब हम ऊपर छल्लियों की तह लगा रहे हैं। ये दोबारा उसने ऊपर केरी डाली है, हम इसको सीधा करेंगे, ठीक है ना, इसको तमाम छल्लियों के ऊपर इसको बिछा देंगे और फिर इसके ऊपर तह लगाएंगे, ठीक है ना। ये दूसरी तह लग रही है छल्ली साड़ी टोकरे च लग गई है, असं इसके पत्ते थोड़े कु छंकार देंगे ता कि छल्ली जले ना, साड़ी थोड़ी कु बचत हो जाए, अग बहुत ज़्यादा तेज होंगी है, इन्होंने जरा जलन तो बचा लैन गए। देखो जी नाजरीन, यह जी साड़ी हूँ अग है, इनू छलियाँ के उत्ते टोकरे के बिछा देवे। दोस्तों अग न बिछा दिता, हूँ असं इन तकरीबन 15 to 20 minutes लिए जरा इन रखा ता कि जी छली है अंदर अच्छी तरह पक जाए, खाने के काबिल बन जाए। मैं भी नाजरीन, छली साड़ी 20 to 25 minutes जिस तरह थोड़ा दसा ही तो तैयार हो गया। हूँ ये तो बोरी असं पानी के डुबो के उत्ते सट दी है ता कि अग जी है वो थोड़ी जी ठंडी हो जाए। हूँ असं लावे पानी, कसर है आज मैंने लगती है। लो जी नाजरीन, आ तुम छली देख रहे हो, छली इस टाइम साड़ी पक के बिल्कुल तैयार हो। नाजरीन यह साडा मसाला जो छली खिलावे। अभी दोस्तों छली साड़ी हो गई बन के तैयार, हूँ असं मसाला लगावे तो नींबू लगावे। अच्छा जी इधर आओ, छली खा के चेक करो गर्मा गर्म छली, नाले का जायका दसो सानू। बहुत ही मजेदार जी साड़ी छली तैयार हुई है, तैयार हूँ जबरदस्त। अभी दोस्तों छली साड़ी बन के तैयार हो गई है, हूँ असं इन बाहर पिंड बेचने लैके जावे।